वेलकम टू माय चैनल द एंटायरिटी। आज हम लोग बनाने वाले हैं लूची, जिसे हम लोग फुलको लूची भी बोलते हैं। ये बंगाल का बहुत ही फेमस डिश है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। बेसिकली बंगाल में हम इसे आलू की सब्जी के साथ खाते हैं, बट आप चाहे तो किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लूची बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। अब मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल दूंगी, 2 छोटा चम्मच रिफाइन ऑयल डालूंगी। फिर मैंने 1/2 कप वार्म वाटर लिया, यानी कि 1/2 कप गुनगुना पानी लिया है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको गुनगुना ही पानी यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी ताकि हमारा ऑयल और नमक जो है वो अच्छे तरीके से मैदे में मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त सा डो तैयार कर लूँगी। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपका डो जो होना चाहिए वो ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका डो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा या ज़्यादा सख्त हो जाएगा तो पूरी आपकी अच्छे तरीके से फूलेगी नहीं। तो लगभग हमारा डो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे किसी गीले कपड़े से ढक करके 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कोई भी कॉटन कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग 1/2 घंटा हो चुका है। टिश्यू पेपर को हटा कर अब मैं डो को फिर से 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। तो लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब मैं सारे डो का छोटा छोटा सा बॉल बना लूँगी, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने सारे डो का बॉल बना लिया है। अब मैं सारे डो के ऊपर हल्का हल्का तेल लगाऊंगी और इसे अच्छे से रोल कर लूँगी। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपका जो पूरी होना चाहिए वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसे तल लूँगी। तो तेल हमारा जो होना चाहिए वो गर्म होना चाहिए पूरी तरीके से, और उसके बाद हम इसमें पूरी डाल देंगे और स्पैचुला की मदद से इस पर प्रेस करेंगे ताकि हमारा पूरी जो है वो अच्छे तरीके से फूल जाए। तो वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमारा पूरी बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका है। तो पूरी को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जब हल्का ब्राउन हो तो हम इसे निकाल लेंगे। तो जैसा कि मैंने इस पूरी को बनाया है, वैसे ही हम एक एक करके सारी पूरी को भी ऐसे ही बना लेंगे। तो एक एक करके मैंने लगभग सारे पूरियों को अच्छे तरीके से तल लिया है, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से फूला है। तो लूची हमारा बनकर रेडी है फ्रेंड्स, आप इसे आलू की सब्जी के साथ सर्व कर लें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह के रेसिपी को लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।